अगर आप यहाँ पर इंटेल के एक फैन बॉय हो तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटेल के 11th जनरेशन प्रोसेसर्स के बारे में। यहाँ पर इंटेल ने अपने कोर i9 11900K प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया है। हालांकि केवल एक प्रोसेसर ही अनाउंस किया है, पूरी सीरीज हो सकता हो थोड़े टाइम बाद भी अनाउंस कर दी जाए, लेकिन एक प्रोसेसर मोर देन इनफ होता है हमें ये बताने के लिए कि सीरीज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नई देखने को मिलने वाली हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंटेल के सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे AMD से और आपको बताएंगे यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, क्या बुरी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं और बहुत कुछ। वेल तो अगर आप भी इसी कंपैरिजन में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई keysclub.in। अगर आप यहाँ पर चिप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप keysclub.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटेल ने केवल अपना कोर i9 11900K को ही अनाउंस किया है, बाकी सीरीज में जितने भी प्रोसेसर हैं उनको थोड़े टाइम बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आप स्पेक शीट देखते हो और जो सबसे बड़ा चेंज नोटिस करते हो ना, वो है नंबर ऑफ कोर और थ्रेड में। यहाँ पर इंटेल ऑलरेडी AMD से पीछे चल रहा था परफॉर्मेंस के मामले में। यहाँ पर आने वाली जनरेशन में इंटेल को कोर काउंट बढ़ाने के बजाय और उल्टा कम कर दिया है, यानी कि आपको कोर i9 11900K में 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिलने वाले हैं। और हैरानी की चीज़ ये है कि 10th जनरेशन में आपको 10 कोर और 20 थ्रेड देखने को मिल रहे थे, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि आपको 2 कोर और 4 थ्रेड कम कर दिए, तो परफॉर्मेंस हो सकता हो थोड़ा सा और भी कम हो जाए। अब ये मूव इंटेल ने क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटेल का कहना ये था कि यार ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड बढ़ाने के चक्कर में उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थोड़ी सी कम हुई जा रही थी, तो फ्रीक्वेंसी और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंटेल ने कोर काउंट को थोड़ा सा कम कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आउट ऑफ द बॉक्स 5.3 GHz की, और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी उन लोगों के ज़्यादा काम की हो सकती है जो लोग मेनली गेमिंग करते हैं या ऐसे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा कोर यूटिलाइज नहीं करते, फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलने वाला है वो स्टिल 14++++++ नैनोमीटर ही देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि इंटेल का जो 14 नैनोमीटर का जो आर्किटेक्चर है वो मैच्योर होने में तो PhD उसने कर ली है, तो यहाँ पर हो सकता हो आने वाले प्रोसेसर में आपको ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट थोड़ा सा और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि देखने वाली चीज़ ये होगी कि 10th जनरेशन का i9 और 11th जनरेशन का i9 आपस में कैसा परफॉर्म करता है और दोनों के बीच कितना बड़ा परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। उसके बाद यहाँ पर इंटेल ने अनाउंस ये भी किया है कि आने वाले 11th जनरेशन के जो प्रोसेसर होंगे ना वो PCIe Gen 4 को भी सपोर्ट करेंगे। फाइनली यहाँ पर इंटेल ने PCIe Gen 4 का भी सपोर्ट अपने आने वाले प्रोसेसर में ला दिया है, यानी कि अब यहाँ पर अगर आप हाई स्पीड वाली SSD या PCIe Gen 4 वाले पेरिफेरल्स अपने PC में यूज़ करना चाहते हो तो आप इंटेल बेस्ड सिस्टम पे भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पर इंटेल ने अपना नया IGPU को भी अनाउंस किया है जो कि होने वाला है आयरिस। अब इंटेल के जितने भी नए प्रोसेसर होंगे ना उनका जो IGPU होगा वो आयरिस होगा, जो कि प्रीवियस जनरेशन के IGPU से 50% फास्ट होगा। ये उन लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है जो लोग वीडियो इनकोडिंग वाला काम करते हैं या ऐसे एप्लीकेशन यूज करते हैं जो कि IGPU को यूटिलाइज करके चलते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि है परफॉर्मेंस। कितना परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिला है अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हो इंटेल के प्रीवियस जनरेशन से या अगर आप इंटेल को डायरेक्ट कंपेयर करते हो AMD से। यहाँ पर मैं आपको बताऊं इंटेल के जो नए प्रोसेसर होंगे वहां पर आपको अप टू 19% की IPC गेन देखने को मिलने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी IPC गेन होती है। और वही अगर आप इसे साइड बाय साइड कंपेयर करते हो कोर i9 10900K में तो गेमिंग के मामले में 11900K बेटर है 10900K से, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा IPC गेन्स भी देखने को मिल रहे हैं प्लस फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज़्यादा है। वही यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हो 11900K को
AMD के Ryzen 950 900X से। तो यार गेमिंग में इंटेल आगे है, हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मिनिमम यहाँ पर आपको 2% का डिफरेंस देखने को मिलता है और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 8% का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी गेम्स चलाए गए थे ना वो 1080p रेजोल्यूशन पर चलाए गए थे। अगर 1440p या 4K पर चलाए जाते तो ये डिफरेंस नियरली निग्लिजिबल हो जाता। और वैसे भी जो बंदा कोर i9 या राइजन 9 जैसा प्रोसेसर लेता है ना, तो वो केवल गेमिंग नहीं करता है, वो दूसरे भी सीपीयू हैवी टास्क करता है। गेमिंग तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप सीपीयू हैवी टास्क करने वाले हो तो राइजन 9 5900X 11900K को आराम से बीट कर देगा आंख बंद करके, ये तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। इवन एक्सपर्ट तो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि कोर i9 11900K का जो परफॉर्मेंस होगा वो राइजन 7 5800X के आसपास ही होगा। तो 5900X से तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं होती। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि इंटेल और AMD के बीच जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए इंटेल ने एक नया मूव चला है, यानी कि प्राइसिंग वाला मूव। यहाँ पर इंटेल अपनी आने वाली जो प्रोसेसर की सीरीज होगी ना उसकी प्राइसिंग ना 10% कम कर देगी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। और ये डिफरेंस और भी कम हो जाता है जब आप देख सकते हो कि राइजन के प्रोसेसर इजीली मिल नहीं रहे मार्केट में, और मिल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस में हाइक देखने को मिल रही है, तो ये डिफरेंस और भी कम हो जाता है। वेल तो यार अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि इंटेल की 11th जनरेशन के सीरीज़ वाले प्रोसेसर कैसे परफॉर्मेंस देते हैं हमें, और जो डिफरेंस हमें इंटेल ने बताया क्या सच में वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो दोस्तों ये तो इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।